शहर की दुर्दशा और ड्रेनेज के ढक्कनों के विषय में हमारे प्रतिनिधि ने बात की शिवसेना शहर प्रमुख राजेंद्र चौधरी से। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। शहर भर में बरसात के समय में रास्ते खराब हालतों में तो है ही, और ऐसे में जो है लगातार लोगों को दिक्कतें भी हो रही है। वहीं पे आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जो कि बरसात हुई थी उसमें शहर भर के जो नाले थे वो भी लबालब भरे हुए थे। कई बार मुद्दे भी उठे हैं कि शहर भर के नालों में ढक्कन नहीं है, ड्रेनेजों में ढक्कन नहीं है। तो उसी के बारे में अधिक जानकारी के हमारे साथ राजेंद्र चौधरी जी मौजूद है, क्योंकि शहर में जो है शिवसेना की सत्ता है गाड़ी के साथ, और साथ ही साथ जिस तरीके से विकास की जो बात की जाती है तो मूलभूत सुविधाओं को किस तरीके से पूरा किया जाएगा। शहर भर में जो कि नाले हैं बना तो दिए जाते हैं, ड्रेनेज जो है वहाँ पर ढक्कन नहीं लगाए जाते, लोग गिरते हैं, लोगों की जाने भी गई है, तो किस तरीके से कार्य रहेगा? कहीं ना कहीं जो है ये परेशानी आपके पैनल से भी शुरू होती है। नहीं, ऐसा विषय ऐसा है कि उल्लासनगर शहर में जब सत्ता की बात करते हो तो जब से महापुरुष शिवसेना के यहाँ पर बने उसके बाद ही कोरोना का प्रादुर्भाव चालू हुआ, और कोरोना के कोविड का कारण से उल्लासनगर महानगर पालिका की स्थिति बराबर नहीं होने के कारण कुछ काम रुका हुआ है। लेकिन आपको बता दूं कि उल्लासनगर महानगर पालिका की स्थिति खराब होने के बाद भी हम लोग उल्लासनगर शहर के नाले और जो भी रोड है जो बनाने के लिए MMRDA के माध्यम से फंड लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दूं कि उल्लासनगर में लगभग MMRDA के माध्यम से 1.5 से 2 करोड़ निधि आ रही है। अभी 75 करोड़ रुपया निधि आई है, रोडों के लिए कुछ आई है, कुछ बाला साहेब ठाकरे स्टेडियम के लिए आई है। अभी ये उल्लासनगर में लगभग 5 रोड सीमेंट कॉन्क्रीट के बनाने के लिए 100 करोड़ रुपया आ रहा है, नाले बनाने के लिए आ रहा है। लेकिन नालों की जो खस्ता हालत है वो अभी से नहीं, कई सालों से है। नाले के ढक्कन लगे नहीं हुए है, ये बात आपकी सही है। ढक्कन लगाने के लिए बार बार प्रशासन को बोला है लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। उसको कैसे ढक्कन लगेंगे, प्रशासन कैसी ध्यान देगी? प्रशासन के पास पैसा नहीं है तो खासदार निधि या आमदार निधि में से कैसे या इस शहर में जो नाले की सुधार कर सकते हो, नाले की सुधार करने का प्रयास हम जरूर करेंगे। जो भी घटनाएं घटती है वो दुखद घटना है, वो दुख हम व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ में जो भी खड्डे है रोड पे वो भी जल्दी से जल्दी कैसे भरा जाएंगे, लोगों को इस शहर के लोगों को राहत कैसे मिलेगी, उस बात को हम जल्दी से जल्दी सुलझाने का प्रयास शिवसेना के माध्यम से हम करेंगे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।